जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है, जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से इस पर सुनवाई करेंगे। धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में करीब 14 याचिकाएं लगी हैं। इन याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब देने को कहा है। दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी को भी श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी। सीताराम येचुरी ने विधायक MY तिरगानी से मिलने की अनुमति मांगी थी। इस मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन, रिटायर्ड जस्टिस हसैन मसूदी, पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल, JNU की पूर्व छात्र शोहला रशीद और राधा कुमार की ओर से भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं।